हेलो नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल से वो डिस्कस करेंगे। चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है ये मेनली इराक के बारे में है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई अभी पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज ने ये कहा कि हमारे देश के 39 जो नागरिक थे, इंडियन वर्कर थे जो कि इराक में काम कर रहे थे, वो मार दिए गए, तो उनके जो अभी सब हों वो अभी इंडिया नहीं पहुँचे हैं। तो उसके बारे में इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो देखो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स के नज़रिए से भी। तो एक बार उन चीज़ों को भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि देखो कई चीज़ें जो आर्टिकल में होती हैं वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम याद आती हैं, तो आप उन पॉइंट्स को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। तो एक तो यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकते हो, पूछ सकती है मोसूल सिटी के बारे में कि मोसूल सिटी कहाँ से, मेज द फॉलोइंग वगैरह में। तो ये ध्यान रखना कि भाई मोसूल सिटी वो इराक में है, यहाँ पे आईएसआईएस का कब्जा था। और ये बात है मेरी 2014 की टाइम की, कि 2014 में यहाँ पे जो आईएसआईएस का दबाव वो बढ़ता जा रहा था उस टाइम पे। खैर आज तो वहाँ पे आईएसआईएस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो उस टाइम पे क्या उन्होंने यहाँ पे इंडियन 40 वर्करों को कह दिया था, जो उनमें से एक तो भाग गया था और 39 बचे थे, तो 39 है वो मार दिए गए थे। तो उस चीज़ का खुलासा वो अभी हुआ है जो भी पार्लियामेंट के सेशन में किया गया। तो उस चीज़ को लेकर कुछ पॉइंट्स को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई सुषमा स्वराज ने इतना लेट टाइम, मतलब इतना टाइम क्यों लगाया कि भाई अब जाके बताया कि वो लोग मार भी दिए गए, इतना डिले क्यों हुआ, उसके पीछे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो मैं ली तो एक तो हमें सिटी के बारे में पता होना चाहिए, इश्यू का था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और बाद में फ्यूचर में कहा गया कि भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश तो बहुत की थी वहाँ से लाने के लिए, बट फिर भी जो कुछ हो गया वो तो हादसा की तरह में देखा जाए, बट आगे से हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये पॉइंट डिस्कस किए गए। यहाँ पे जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में मेनली किसानों के जो हित हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो भाई किसानों की हालत है वो हमारे देश में अच्छी नहीं है, आजकल किसान ना वो तनाव में चल रहे हैं, डिस्ट्रेस के बारे में आर्टिकल को डिस्कस किया गया है। तो इससे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम चलो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में। तो देखो एग्रीकल्चर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई सबसे पहले स्टार्टिंग होती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो मूवमेंट हुआ था अभी महाराष्ट्र में किसानों का, उसको लेके कि भाई जिस तरीके से दांडी यात्रा बड़ी शांतिपूर्वक हुई थी उसी तरीके से महाराष्ट्र में किसानों का मूवमेंट हुआ। उसमें मेनली किसानों के बारे में बताया गया कि बेटा शांतिपूर्वक मतलब पीसफुल मूवमेंट था, डिसिप्लिन के साथ हुआ, लीडर भी थे, कोई ऐसा नहीं था कि काफी बड़े लीडर भी नहीं थे, केवल शांतिपूर्वक सभी लोग आपस में लीडर की तरह काम कर रहे थे, अहिंसक मूवमेंट था और सभी लोगों ने इसमें सपोर्ट भी किया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने किसानों की ऑलमोस्ट बातें वो मान भी ली थी। अब देखो किसानों के कुछ इश्यूज हैं वो बेसिक हैं, जैसे कि उनको लोन वगैरह नहीं मिल पाता है, उनको कई बार क्या होता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ठीक नहीं है, और उसके साथ ही सबसे बड़ा इश्यू होता है एमएसपी का कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो किसानों को सही ढंग से नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही देखा जाए तो कॉस्ट जो प्राइस होती है आजकल, मतलब किसानों की जो फसल पैदा करने की जो लागत है वो भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसके साथ देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आपको पता है, बारिश है वो काफ़ी इनरेगुलर हो गई है, और हमारे देश में देखा जाए तो एक तरीके से एग्रीकल्चर और अप्रोक्सीमेट 60-75% जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करती है बारिश के ऊपर ही। और अगर ऐसे माहौल में बारिश इनरेगुलर होती तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये साफ हो गया कि भाई किसानों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ तो बहुत अच्छी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो हमें किसानों को किसान के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, हमें किसान को एक बिजनेस के तरीके से देखना चाहिए कि भाई वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनको लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली कौन बिजनेस करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को एक बिजनेस के अकॉर्डिंग माहौल बनाना चाहिए, जैसे किस प्रकार गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस का माहौल तैयार करती है, उनको बेसिक लाइट वगैरह देती है, उनको लैंड वगैरह प्रोटेक्ट देती है, तो वो सारे काम करती है। उसी तरीके से गवर्नमेंट को किसानों को भी एक बिजनेस के नज़रिए देखते हुए उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और उसके अंदर जो भी सब्सिडी वगैरह जो भी बेसिक फैसिलिटी हो सकती है उनको सारे को प्रोवाइड है वो करवाना चाहिए। मतलब यही नहीं देखना चाहिए कि भाई केवल किसान है, वो किसान का एंगल नहीं, हमें अपना हमारा जो सोचने का एंगल है वो बदलना होगा, क्योंकि हमारे देश में जो मैक्सिमम रोजगार है ना वो भी आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही दे रहा है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर वो ऐसे ढूंढा डाल है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस भी करना चाहिए। और इसके साथ सबसे अहम बात आती है कि देखो हमारे देश में जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में तो है ही है, बट वहाँ पर काफ़ी लोग हैं वो बेरोजगार भी हैं। मतलब वो अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाए जिसको प्रच्छन्न रोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, तो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे हालात में क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो ज्यादातर वर्कर हैं जो कि फालतू ही एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं उनको एक्चुअली वहाँ से हटा के दूसरा विकल्प है वो तलाशना चाहिए और वहाँ पे उनको जॉब दिलानी चाहिए, मतलब दूसरे विकल्प तैयार करने चाहिए गवर्नमेंट को जॉब के लिए, और वहाँ पे बाकी जो वर्कर हैं जो कि एग्रीकल्चर में काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मतलब हमें प्रॉब्लम के बाहर आके फिर उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई इतनी बड़ी तो ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन वो कर सकते हैं। जिस प्रकार हम प्रॉब्लम के अंदर घुस के उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर घुसेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम है कि एक्चुअली रियल में, तो हमें प्रॉब्लम के बाहर आना होगा पहले, फिर हमें देखना होगा कि हाँ भाई समस्या कितनी बड़ी है, उसके बाद हमें उस तरीके से स्टेप उठाने होंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई जो किसान होते हैं
अभी किसानों ने फसल प्रोड्यूस की। अब किसान आपको पता है कि डायरेक्ट खेतों में जो खेतों से फसल प्रोड्यूस करने के बाद जाते हैं मार्केट में, वहां पे उनको आढ़ती या दलाल वगैरह लोग मिलते हैं और उनको वो फसल बेचते हैं, जबकि सारा फायदा का मुनाफा वो कमाते हैं आढ़ती या किसान, ये जो बीच में मिडिल लोग होते हैं दलाल वगैरह। अब इसमें क्या होता है, किसानों को लॉस बहुत है। जिस प्रकार आप देख सकते हो कि नॉर्मली प्याज वगैरह का जब सीजन आता है आलू वगैरह का, उस टाइम पे क्या होता है कि प्याज का प्रोड्यूशन होता है, उस टाइम पे प्याज 2 रुपए 3 रुपए किलो किसानों को बेचारे को बेच के आने पड़ते हैं, मतलब उनकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं निकल पाती है। और वहीं पर जब प्याज के आप देख सकते हो कई बार प्राइस है वो 60 to 70 rupees इवन 80 rupees पर केजी तक हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच का सारा मुनाफा वो कौन खा रहे हैं, बेचारे मिडिल मैन ही खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात तो गलत है ना कि भाई पैदा तो कर रहा है किसान, मिल तो उसको कुछ रहा नहीं है। इसलिए इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और जो मीडिएटर वगैरह है इनके ऊपर भी लगाम लगानी चाहिए। इसके साथ ही हमें क्लाइमेट फ्री एग्रीकल्चर है उसके ऊपर फोकस करना है। इसके बाद में बात आती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर, इसके बारे में हमने एक दिन आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर को फोकस कर रही है ताकि इसमें किसानों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। इसमें कुछ कमियां भी हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके साथ ही सोयल हेल्थ कार्ड है उसके भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। देखो सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम का फायदा यह है कि गवर्नमेंट ये बता देती है किसानों को कि भाई हाँ आपकी भूमि इतनी उर्वरक है, यहाँ पे आप ये अगर फसल बो सकते हो, इसके साथ आपकी भूमि में अगर ये फसल आपको बोनी है तो इसमें आपको इन बीज मतलब इस क्वालिटी के जो खनिज वगैरह है वो आपको डालने होंगे तभी आपकी फसल अच्छी होगी। तो मैं देखते सोयल की क्वालिटी बताने के लिए सोयल हेल्थ कार्ड है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही देखा जाए तो हमें कम जो पानी की उपलब्धता, कम पानी के जो यूज बीज होते हैं, मतलब जिनको कम पानी की जरूरत है उन बीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए ताकि जो पानी की डिमांड है वो कम हो। क्योंकि देखो हमारे देश में पानी की काफ़ी बड़ी समस्या है, उसके बारे में भी आज एक आर्टिकल है उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आगे। इसके साथ ही एक बहुत अच्छा पॉइंट और आर्टिकल वो ये कह रहा है कि भाई देखो किसानों का लोन माफ करना कोई सोल्यूशन ही है इस चीज़ का। और बेसिक एक बात यहाँ पे की है कि ऐसी बात नहीं केवल महाराष्ट्र में ही मूवमेंट हुआ है, हमारे पूरे देश में किसानों की समस्या गंभीर है। हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए एक छोटे नजरिए से कि केवल महाराष्ट्र में किसानों की समस्या है वो बेकार है, मतलब महाराष्ट्र में किसानों की हालत है वो खराब है, पूरे देश में किसानों की हालत है वो खराब हो रखी है। इसलिए हमें लोन माफ की बजाय हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। मतलब लोन माफ करने से देखो कि प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता, क्यों नहीं होता वो भी हम देखते हैं। इसलिए नहीं हो पाता, देखो लोन मैक्सिमम जो किसान है ना वो बैंकों से लोन ले नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैंकों से लोन लेने के लिए काफ़ी लंबी प्रोसीजर होती है और किसान उन सारी टर्म्स कंडीशन को फॉलो करने में काफ़ी दिक्कत होती है, कई बार उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं उतने सब। तो इसकी वजह से किसान क्या कि जो मीडिएटर जो साहूकार वगैरह लोग होते हैं ना इनसे पैसा लेते हैं, जो बढ़िया वगैरह ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब नॉर्मली जो अपने गाँव में जिनको कहते हैं कि मतलब जहाँ से किसान साहूकार वगैरह हो गए फिर जो लोग होते हैं जिनसे पैसे वगैरह लेते हैं उनसे किसान वो पैसे लेते हैं। तो ऐसे माहौल में दिक्कत क्या होती है उनका, देखो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने तो वही लोन माफ किया जो बैंकों से लिया गया है, तो जो जिन किसानों ने जो साहूकार वगैरह उससे पैसा उधार में लिया है लोन लिया है उनको तो रिफंड, उनको तो एक्चुअली उनका लोन तो माफ होगा नहीं क्योंकि उन्हें तो पैसा चुकाना होगा। और ऐसे मैक्सिमम किसान है वो एक्चुअली इनसे ही लोन लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन किसानों ने बैंकों से लोन लिया उसका तो लोन माफ हो गया और जो एक्चुअली जरूरतमंद लोग थे उनका लोन माफ हुआ ही नहीं। तो ये भी काफी गंभीर समस्या है, इसलिए लोन माफ करना कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अब देखो लोन माफ की बजाय अगर गवर्नमेंट वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करे, जैसे कि नहर वगैरह बना दे या फिर केनाल वगैरह बना दे या फिर जो सोयल की क्वालिटी के कुछ और भी नए उपकरण वगैरह कुछ भी नई बेसिक फैसिलिटी ला दें तो उससे किसानों को लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। लोन माफ का तो क्या, वहाँ एक बार लोन माफ करे तो एक साल के लिए राहत मिलेगी, अगले साल फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर लोन माफ से कोई सोल्यूशन थोड़ी होने वाला है। इसके साथ ही एक पॉइंट आता है वो आता है नीम कोटेड यूरिया का, कि गवर्नमेंट है वो नीम कोटेड यूरिया लेके आई थी। इसके बारे में यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन भी पूछा था। तो नीम कोटेड यूरिया काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इससे एक तो देखो जो काफ़ी कई बार बोला जाता है कि कैंसर से डिजीज होते हैं वो भी इससे कम होती है, इसके साथ ही क्वालिटी भी अच्छी होती है और किसानों के लिए सस्ती भी होती है। और इसके साथ गवर्नमेंट है वो यूरिया सब्सिडी की स्कीम है वो भी लिखी है, तो वो भी कोई ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा स्टेप उठाया गया। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि भाई गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा, इसके साथ किसानों को भी कुछ स्टेप उठाने होंगे। किसानों को भी फसल के अकॉर्डिंग ये देखना चाहिए कि भाई हमारे एरिया में कितनी पानी की अवेलेबिलिटी है और कौन सी फसल हमारे लिए यहाँ पे सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग फसल वो बोना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे पानी की कमी और फिर वो गन्ने की फसल बोने जा रहे हैं तो वो तो काफ़ी दिक्कत आएगी। इसके साथ ही बात ऐसी है कि अगर किसानों की इनकम हमें डबल करनी है तो हमें बहुत से पॉइंटों को देखना होगा, हमें केवल छोटे से पॉइंट से सोल्यूशन नहीं होने वाला कि भाई किसानों का लोन माफ कर दो बस किसानों को बीज दे दो तो सोल्यूशन हो जाएगा। हमें काफ़ी सारे तरीके से काफ़ी बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चेंजेस करने होंगे और बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बूस्ट करना होगा तभी ये सारी चीज़ों की तभी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इनका समाधान हो सकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो किसानों को मार्केट एक्सेस वो भी काफ़ी अहम हो जाती है, तो किसानों को मार्केट एक्सेस वो प्रोवाइड करनी है। इसी के साथ ही एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस की तरह देखना है ना कि एग्रीकल्चर के नज़रिए, जैसा मैंने अभी बताया था कि किसान को किसान के नज़रिए से देखने की बजाय किसान को एक बिजनेस के नजरिए से देखना होगा तभी हमारे सेक्टर का एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म है वो आ सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल के कंप्लीट पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो यहाँ पे आएगा श्रीलंका के बारे में। चलो एक आर्टिकल इसको भी 2-3 पॉइंट हम देख लेते हैं। इस आर्टिकल में मेनली देखो ये कहा गया है, एक सेकंड
ये वैसे आपको नोट्स बनाने की इस आर्टिकल की जरूरत नहीं है, आपको इसलिए बता देता हूँ कि बेसिकली एक दो पॉइंट ही इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में कहा गया भाई श्रीलंका में भी इमरजेंसी लगी थी, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो देखो श्रीलंका में इमरजेंसी क्यों लगी थी, श्रीलंका में इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी माइनॉरिटी फीबिया के बारे में, माइनॉरिटी फीबिया को लगी। माइनॉरिटी फीबिया क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कुछ कंट्रीज वगैरह में माइनॉरिटी फीबिया का सीन ऐसा होता है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी क्लास होती है उसके खिलाफ क्या एक माहौल बन जाता है, डर का माहौल बन जाता है कि यार ये माइनॉरिटी है इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी से भी ज्यादा हो जाए और वहां पे फिर समस्या हो जाता गंभीर हो जाएगी। मतलब जो मेजोरिटी है उनको डर लगने लग जाता है कि यार ये माइनॉरिटी लोग है ना ये हमसे आगे निकल जाएंगे तो मतलब हमारे जो हमारे एरिया पे कब्जा कर लेंगे, तो वो वाला फीबिया होगा उसको बोलते हैं माइनॉरिटी फीबिया। मतलब माइनॉरिटी के खिलाफ जो डर पैदा होता है उसको कहा जाता है माइनॉरिटी फीबिया। तो ये भी मैंने लिखा हुआ था, ये हुआ था सिहला और बुद्धिस्ट के बीच में, तो इसको एक काफी बड़ा विवाद हुआ था और उसकी उसे काफी लोगों की जाने हो गई थी। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि श्रीलंका में सिहला है वो वहाँ की, सिहला जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो वहाँ पे एक्चुअली मेजोरिटी में है, और उसके बाद में जो माइनॉरिटी में है वो एक्चुअली वहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुस्लिम कम्युनिटी दूसरी उसके बीच में लड़ाई है वो हो गई थी, तो उसकी वजह से काफी बड़ा इश्यू है वो आ गया था। तो मेनली जो मेजोरिटी माइनॉरिटी का इश्यू है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी कमजोर करता है और जो कंट्री है उसकी डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो लास्ट में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है कि देखो इस तरीके के जो जो गलत प्रैक्टिसेज हैं, जो गलत काम है उनको पर हमें लगाम लगानी चाहिए और गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए। ये इस तरीके की जो अराजकता है ना ये कोई और नहीं फैलाता, ये समाज नहीं फैलाता, ये फैलाते हैं हमारे देश के पॉलिटिशियन, हमारे देश का मतलब किसी भी कंट्री में जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इस तरीके की चीजें फैलाते हैं। क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस क्या है, वोट लेने के चक्कर में इस तरीके के आड़े तेड़े काम करते हैं और वो केवल वोट बैंक को अपनी तरफ अटैक करना चाहते हैं ताकि उनके पास सारा बहुमत वो रहे, और उसकी वजह से ये सारे काम वो किए जाते हैं। जैसे कि पहले भी काफी बार श्रीलंका में लिट्टे वार हुआ था, उस टाइम भी तमिल हिंदूज के बारे में मुस्लिम के बारे में काफी इशूज वो आए थे। तो इन चीजों के बारे में राइटर यही कह रहे हैं कि देखो इस तरह की जो माइनॉरिटी फीबिया वगैरह की जो चीजें हैं इनके ऊपर हमें लगाम लगानी चाहिए और इन चीजों को सोसाइटी से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी की वैल्यू के खिलाफ। तो ये इस आर्टिकल के बेसिक पॉइंट है, आप इनका कहीं यूज कर सकते हो, बस आपको याद रखने हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया चाइना के बारे में कि भाई चाइना के अंदर जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं उनका जो पद है वो टाइम पीरियड है उसको अब दो से अनंत बार कर दिया। मतलब अब पहले ये प्रावधान था कि वो दो ही बार इलेक्ट हो सकते हैं, बट अब ये कर दिया गया कि वो कितनी भी बार इलेक्ट है वो हो सकते हैं। तो उसको लेकर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि भाई देखो चाइना वो लगातार रिफॉर्म कर रहा है बहुत से सेक्टर में। यूं देखा जाए तो चाइना ने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें भी काफी रिफॉर्म लिया। मतलब चाइना है वो इंडिया से कभी काफी कुछ सीख रहा है कि भाई इंडिया में देखो जिस तरीके से नीरव मोदी या रोटोमेक कंपनी ने घोटाले किए हैं तो वहाँ पर इस तरीके के घोटाले ना हो, तो उस पर भी लगाम लगाने के लिए चाइना में भी काफी चेंजेस किए हैं। इसके साथ ही करप्शन को काउंटर करने के लिए भी एंटी करप्शन बॉडीज वो बनाई है, उन्होंने भी काफी रिफॉर्म वगैरह की है। तो यहाँ पर राइटर ये कह रहा है कि भाई इंडिया को भी चाइना से सीखना चाहिए कि भाई चाइना किस तरीके से अपने सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वो लेकर आ रहा है और हमें भी हमारे देश में इस तरीके की रिफॉर्म लाने चाहिए और करप्शन को जड़ से खत्म करना है। तो बाकी तो देखो चाइना की चीजें डिस्कस करें तो वो तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट हमें बेसिक चीजें वो समझ में आ गई हैं। यहाँ पे ये जो आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला आर्टिकल यही है हमारा, वो है वाटर कंजर्वेशन के बारे में। इसे लिखा है वेंकट नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया। इन्होंने ये कहा है कि भाई पानी की समस्या वो गंभीर होने वाली है और अभी देखा जाए तो हमारे लिए एक वेकअप कॉल आ गया है और हमें भी जग जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, वाटर कंजर्वेशन का ये आर्टिकल आ गया हमारा। इस आर्टिकल के में सबसे पहले तो एक ऐसे का सा एक पॉइंट आता है, कोर्ट आता है, उसको भी हम देखते हैं। और आर्टिकल में सबसे पहले शुरुआत इस ऐसे कोर्ट से ही होती है, ये होता है सैमुअल टेलर के द्वारा इस कोर्ट को लिखा गया एक पोएम में जो है वाटर वाटर एवरीवेयर नोर क्राई ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब पानी पानी चारों तरफ पानी पानी का नाम रहेगा जबकि पीने के लिए पानी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पे पानी वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड वो हो गया है। तो उसको लेकर आप इस पॉइंट से कहीं यूज कर सकते हो वाटर कंजर्वेशन में, ये काफी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। राइटर है वो वेंकट नायडू है, वो साहब ये कह रहे हैं कि देखो हमारे देश में देखा जाए, इवन हमारे देश की बात नहीं, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड आप इस चीज को ले सकते हो, सभी देशों में हालत ऐसी ही है कि हम पानी के जिस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं तो उस पर आज हम एक तरीके से लिमिट मतलब एक बाउंड्री पे पहुंच गए। अगर हमने इससे ज्यादा पानी का विनाश किया, पानी का वेस्टेज किया तो आगे आने वाले टाइम में हमें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो राइटर कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि भाई अभी हमें जग जाना चाहिए, और अगर अब भी हम वेकअप नहीं होते, अगर अब भी हम नहीं जगते हैं तो हमारे लिए फिर एक तरीके से खांडे की धारा वो होने वाली है और हमारे लिए काफ़ी फ्यूचर में प्रॉब्लम है वो आने वाली है। इसके बाद में कहा जा रहा है कि देखो जिस तरीके से केप टाउन के अंदर वाटर के क्राइसिस आ रखे हैं और वहाँ पे अप्रैल 2018 तक पानी की समस्या वो बढ़ जाएगी, मतलब वहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, तो वहीं ऐसी बात नहीं है कि वो केप टाउन की समस्या है, वो समस्या हमारे इंडिया में भी आने वाली है। इवन देखा जाए तो और कंट्रीज में वो समस्या लगातार आ रही है। और राइटर फिर ये कह रहे हैं कि देखो हमें हमारी खुद की गलती से सीखने की बजाय हमें दूसरों की गलती से सीख लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। अगर हम गलती करेंगे और फिर हम सीखेंगे तो इसका मतलब पहले तो हम लॉस खा रहे हैं उसके बाद हम सीख रहे हैं, तो वो हमारे लिए कहीं भी अच्छी बात नहीं है।
हमें ये देखना चाहिए कि अच्छा भाई दूसरा गलती करा, उससे उस चीज से हमें सीखना चाहिए कि भी ऐसे गलती करेंगे तो हमें ये नुकसान हो सकता है, तो वहीं से हमें मौके का फायदा उठा लेना चाहिए और इस चीज को मैं अपनी बेसिक लाइफ में भी यूज है वो कर लेना चाहिए कि अच्छा भाई वो इंसान नहीं पढ़ रहा है तो उसने वो ऐसे बर्बाद हो रहा है तो हमें पहले से ही पढ़ लेना चाहिए। खैर चलो आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आगे आर्टिकल में ये कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो छठा टारगेट ये रखा गया है कि स्वच्छ वाटर और सैनिटेशन की तरफ उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है, और आज के टाइम पे पानी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। आप देखो डेली लाइफ पे कुछ चीज़ें देख सकते हो कि हम लोग किस तरीके से पानी को वेस्ट करते हैं, पानी को बचाना काफ़ी अहम हो गया है देखो आज के टाइम पे, क्योंकि पानी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके साथ देखा जाए तो पानी का इश्यू केवल पानी के पीने से नहीं है, पानी का इश्यू वो डायरेक्टली हेल्थ से कनेक्टेड है, इसका गरीबी से भी वो कनेक्टेड है, क्योंकि देखो गरीब लोग वो पानी की एक्सेस उनके पास नहीं होती है इसलिए उनको काफ़ी पानी से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। इसके साथ ही हेल्थ का इशू तो डायरेक्ट लेके जैसे डायरिया वगैरह जैसे डिजीज हो जाती है गंदे पानी से, तो उसके लिए भी स्वच्छ पानी वो होना चाहिए। अगर वहीं लोग पानी को वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हेल्थ है वो भी ज़्यादा लोगों की खराब होती जाएगी। इसके बाद में बात ही आती है, राइटर कह रहे हैं कि देखो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस इसलिए करना होगा कि अभी हमारे देश में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। देखा जाए तो गवर्नमेंट पब्लिक और प्राइवेट तीनों सेक्टर को साथ आना होगा, मतलब गवर्नमेंट को भी साथ आना होगा, जनता को भी एक साथ आना होगा और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ आना होगा। तीनों मिलकर एक साथ आएंगे तभी वाटर कंजर्वेशन या पानी की समस्या का समाधान हो किया जा सकता है। अगर अभी हम लोग ये सोचते हैं यार कोई बात नहीं मेरे अकेले एक बाल्टी पानी खराब करने से क्या हो रहा है, किसी और लोग बचाने से क्या हो जाएगा, ऐसी सोच अगर अभी आप में किसी के पास है तो सोच को आप प्लीज आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सोच कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी हमारी मेंटेलिटी को दिखाती है कि हम कितना आज पीछे सोचते हैं, कितनी हमारी सड़ी गली या दकियानूस सोच है, तो हमें इसकी तरफ फोकस करना चाहिए। इसके साथ ही हमें प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग एक सोल्यूशन है वो लेके आना चाहिए, मतलब हमें प्लान करना चाहिए पहले कि भाई हम किस तरीके से पानी की समस्या से निपटने वाले हैं, उसके साथ ही हमें सोल्यूशन है वो भी लेके आने हैं। पहले हमें प्रॉपर प्लान करना है कि इस तरीके से हम सिटी को बसा रहे हैं और वहाँ पे पानी की ऐसे ऐसी डिमांड हो सकती है तो इस टाइम पे हमें पानी की अवेलेबिलिटी करानी है और इसके लिए क्या क्या हम ऑप्शन है वो ले सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि हमें लास्ट पॉइंट का वेट नहीं करना चाहिए कि जब पानी खत्म होगा तब देखेंगे, तब क्या खाक देखोगे, जब टाइम निकल जाएगा तब पानी नहीं रहेगा आपके पास पीने के लिए, तो तब तक हाँ वेट हमें नहीं करना है, हमें फालतू के पानी को वेस्ट करने से बचाना होगा। इसके बाद में एक बात आती है, वो आती है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी ये कहा कि 2030 तक देखा जाए तो भारत वो वाटर डेफिसिट से 50% और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब भारत का जो वाटर डेफिसिट है वो 2030 तक 50% और बढ़ जाएगा, तो वो भारत के लिए कहीं ना कहीं गंभीर बात है, और ये भारत के लिए नहीं पूरी सभी ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी समस्या ऐसी होती जा रही है पानी की समस्या। देखो आज सीन क्या हो रखा है, ग्राउंड वाटर है उसका लोग लगातार यूज करें, और अगर ग्राउंड वाटर का यूज लगातार करें तो ऑब्वियसली ग्राउंड के अंदर पानी कम होता जा रहा है, तो मतलब क्या कि वहाँ पानी कम हो रहा है और हम पानी यूज ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कि जो बैलेंस है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से समस्या गंभीर होती जा रही है। इसके बाद में पानी की वजह से बीमारियाँ वो भी बढ़ती हैं, भूखमरी वो भी बढ़ती जाती है और इनका जो इफेक्ट है वो भी बढ़ता है, मतलब पानी नहीं है तो उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती है लोगों में, भूखमरी वगैरह बढ़ती है। इसके साथ थोड़ा डाटा वगैरह दिया गया था लास्ट में कि हम टोटल अर्थ के ऊपर जो 97% जो है वो तो पानी है वो ओशियन में, 3% पानी है वो है बाकी एरिया में, और 3% जो पानी है इसका भी 68% जो एरिया है वो तो है ग्लेशियर में, मतलब बर्फ वाले एरिया में उसमें दबा हुआ है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पानी बहुत कम है। इसके बाद में जो बाकी बचा 32%, उस 32% में भी 30% का कुछ हिस्सा वही हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी हिस्सा हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उनके उसकी हमारे पास अभी एक्सेस नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे राइटर यही बात बता रहे हैं कि देखो पानी की जो लिमिट है वो एक तरीके से हमारे पास पानी का ऑप्शन बहुत कम है, हमें जो पानी है हमारे पास उसको हमें प्रॉपर ढंग से यूज़ करना है, हमें पानी को वेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक है, और जितना पानी हमारे पास है उसको हमें रीयूज भी करना चाहिए, रिसाइकिल भी करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद में एक और बात आती है, वो आती है अटल भूजल योजना के बारे में। तो ये राइटर कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है कि गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी इस बार कि वो है अटल भूजल योजना, और इस स्कीम में एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये रखा था, एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अटल भूजल योजना है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है, इसमें वर्ल्ड बैंक ने 6,000 करोड़ का फंड है वो दिया था इंडिया को ताकि पानी की जो समस्या है उसे निपटने के लिए स्टेप उठाए जा सके। इसमें होगा क्या, अटल भूजल योजना में है कि भाई ग्राउंड वाटर उसको मैनेज करना है, मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करना है कुओं वगैरह को ताकि जो पानी की समस्या है उसे निपटा जा सके और फ्यूचर में हमें ऐसा नहीं हो कि भाई वाटर क्राइसिस से गुजरते रहें। और इसमें यह ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत जो थर्ड लेवल होता है हमारे देश का जो पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का उस लेवल पे फोकस किया गया कि भाई ग्राम पंचायत है उस लेवल पे भी काम किया जाएगा, स्टेट लेवल पे भी फोकस किया जाएगा, सेंट्रल लेवल पे भी यहाँ पे काम है वो किया जाएगा, तो सभी लेवल पे फोकस है वो किया जाएगा। एक देखो बाद में आता है 3R का पॉइंट, आप इस 3R का पॉइंट को यूज कर सकते हो। क्या है 3R? 3R का मतलब है कि एक तो पानी का जो यूज है उसको हमें रिड्यूस करना होगा, मतलब पानी का यूज है वो हमें कम करना होगा जहाँ जरूरत है वहीं पे। इसके बाद में रीयूज, मतलब उस पानी को रिसाइकिल करना होगा, जैसे कि सॉलिड वेस्ट का जो पानी होता है कई बार उस पानी को भी हमें यूज करना चाहिए जहाँ भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में यूज कर लें या जहाँ भी उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद में अगला आता है कि रिसाइकिल,
रीयूज भी करना है और उस पानी को हमें रिसाइकिल भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि रीयूज हम पानी को रिसाइकिल तो करें और उस पानी को ऐसे हम वेस्ट करें, तो उस पानी को वेस्ट नहीं करें, उसको वापस रीयूज भी करना है। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इस तीनों स्टेप की तरफ हमें फोकस करना चाहिए और हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे कि हमने कल भी इस बारे में एक आर्टिकल और डिस्कस किया था। तो ये सारे इस आर्टिकल में कंप्लीट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमने देख भी देखा कि माइनॉरिटी फोबिया के बारे में, कि श्रीलंका के अंदर जो माइनॉरिटी के खिलाफ है राजनीति ने काफी बड़ा एक तरीके का डंगा वो रचा था। इसके बाद में यहाँ पे बात की जाती है कि भाई रोहिंग्या जो है वो आपको पता है कि म्यांमार में वहाँ पे भी कुछ ऐसा सीन हुआ था, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आए, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद चाइना में हमने रिफॉर्म देख लिया कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो टाइम है टेन्योर है उसको एक्चुअली बढ़ा दिया गया है, उनके लिए कंटिन्यू रिफॉर्म वगैरह किए जा रहे हैं, वहाँ पे एंटी करप्शन एजेंसी बनाई गई है, उनके जो टोटल टर्म का जो टाइम पीरियड था कि भाई पहले वहाँ पे राष्ट्रपति वो दो ही बार इलेक्ट हो सकता है उसकी अब लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही वहाँ पे बैंकिंग रिफॉर्म भी लाए जा रहे हैं। इसके बाद में जो इराक का आर्टिकल था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, और आप मैप में एक चीज ये देख लेना कि मोसुल सिटी है वो है कहाँ, उसकी लोकेशन एक बार आप मैप में देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैप है वो इंक्लूड करना भूल गया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।